So we have the question, if the coefficient 4r minus 4rth term and r plus 4th term in the expansion. सबसे पहले तो इसे हम tr plus 1 के फॉर्म में लिखने जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, t 4r minus 5 plus 1. जब इसे हम लिखने जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, t r plus 13 plus 1. अब ये हमारे काम की चीजें हुई, हमें क्या करना है, इनका कोफिशियंट इक्वल करना. जब इसका कोफिशियंट निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कोफिशियंट विल बी 28 सी 4r माइनस 5 इज इक्वल टू 28 सी आर प्लस 13. अगेन प्रॉपर्टी एन सी एक्स इज इक्वल टू एन सी वाई, देन ईदर एक्स इज इक्वल टू वाई और एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एन. लेट से हम इस प्रॉपर्टी को अगर यूज करेंगे तो हम लिख सकते हैं कि 4r प्लस r यानी कि 5r माइनस 5 प्लस 13 यानी कि प्लस 8 इज इक्वल टू 28, 5r is equals to 20, r is equals to 4. That's why option number A will be our answer.